हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूं मालपुए। एक बड़ी ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैंने बड़ा सा बोल ले लिया है और उसमें 1.5 कप दूध डाल दिया है मैंने, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1.5 कप से थोड़ी सी कम शुगर। ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है ताकि थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाए, तो इसको मिक्स कर लेंगे हम दूध में अच्छे तरीके से। मैं ये चाशनी वाले मालपुए नहीं बना रही हूँ, मैं सब कुछ मिक्स करके एंड विदाउट चाशनी ये मालपुए बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी, इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। और इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, तो 2 चम्मच मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। विस्कर की हेल्प से इसे विस्क कर लेंगे ताकि जो इसके लम्ब्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। बड़ी इजी सी रेसिपी है ये, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। ये मैंने 1 कप लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसका हमें एक स्मूथ सा बैटर बनाना है एक फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में। तो अब हम सारा मैदा इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स भी करेंगे इसको, और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। चार पाँच मिनट तक इसे आप विस्क करिए इस तरीके से। तो 4-5 मिनट के बाद इसमें मैं 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और ये 5 से 6 बादाम को मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा इससे। तो ये बैटर जो है हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब इसे हम देखिए फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, और इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए हम ढककर इसी तरह से रख देंगे। तो ढककर हम इसे साइड में रख देंगे, और ये लगभग 2 घंटे हो गए हैं, तो देख लेते हैं एक बार, बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया है इसमें। तो अब हम इसके मालपुए बनाएंगे। कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर गर्म होने रख दिया है तेल डाल के, तो थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा पहले डाल के देखूँगी 1-2 बूंद कि ये देखिए हमारा जो बैटर है वो एकदम से ऊपर आ रहा है। तो हम बिल्कुल सिम गैस पर अपने जो मालपुए हैं वो डालेंगे। गैस को मैंने एकदम सिम कर दिया है, और इस तरह करछी की हेल्प से हम अपने मालपुए बनाना शुरू करते हैं। और 3-4 मिनट तक हम एक तरफ से इसे अच्छे से सिकने देंगे। और ये देखिए अब ये कढ़ाई से चिपका हुआ नहीं है बिल्कुल भी, और इसको हम पलट लेंगे। तो इसको दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे हम। और कढ़ाई में काफ़ी सारी जगह पड़ी है, तो हम और भी मालपुए इसी तरह से बना लेते हैं। और अच्छे से सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से।
तो यहाँ पर मालपुए सिक रहे हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है इन पर। और इसी तरह से हम बाकी के मालपुए भी बना लेंगे। आप इनको थोड़ा सा मोटा ही रखना, अगर आप ज़्यादा पतला रखोगे तो ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे, तो जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा आप, तो तब ये थोड़े सॉफ्ट बनेंगे, वरना बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। तो हम बाकी का बैटर के भी मालपुए बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मालपुए बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा पिस्ता से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है, और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बड़ी ही सिंपल रेसिपी है ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।